इंडिपेंडेंट एमएलए कह रहे हैं कि जी हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, उनसे तो हम यही पूछना चाहते हैं कि आप बनना क्या चाहते हैं, इस्तीफा देके आपको क्या बनना है? अगर एमएलए पद से इस्तीफा देके फिर एमएलए का ही चुनाव लड़ना है तो वो बात जो है लोगों के गले नहीं उतरती। हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का जो प्रयास हुआ और वो सरकार गिरा नहीं पाई और अब तो संभव ही नहीं रहा, तो ऐसे एक्सरसाइज में नहीं पड़ेगा। रात के अंधेरे में जो है सदस्यता चली गई, अब जो टेबल है पूरी तरह टर्न हो चुका है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है वो टेबल टर्न हो चुका है और सारा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। लोगों में बड़ा आक्रोश है, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का जो प्रयास हुआ और वो सरकार गिरा नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी को तो प्रदेशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने एक ऑपरेशन लोटस का असफल प्रयास किया। हमने कोशिश की सरकार गिराने की, हम पीछे थे इस सरकार गिराने के, लेकिन सरकार नहीं गिरी और अब तो संभव ही नहीं रहा। सरकार गिराने के लिए जिनको इन्होंने मोरा बनाया था और जिस ढंग से उनकी सदस्यता गई है, नए चुनाव आए हैं, अब ये कहते हैं कि हमारे संपर्क में कुछ और लोग हैं, जो हालात बने हैं अब तो कोई भी विधायक जो है, पड़ोसी राज्यों के विधायक भी जो है अब ऐसे एक्सरसाइज में नहीं पड़ेंगे। हिमाचल का तो कोई पड़ेगा ही नहीं। तो पड़ोस में भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो मेंबरशिप कैसे जाती है? रात के अंधेरे में जो है सदस्यता चली गई। और अब इंडिपेंडेंट एमएलए कह रहे हैं कि जी हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, उनसे तो हम यही पूछना चाहते हैं कि आप बनना क्या चाहते हो? आप अभी एमएलए हैं, इस्तीफा देके आपको क्या बनना है? या तो प्रदेश के लोगों को कोई कमिटमेंट दो कीजिए, हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। अगर एमएलए पद से इस्तीफा देके फिर एमएलए का ही चुनाव लड़ना है तो वो बात जो है लोगों के गले नहीं उतरती।